नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी में लिखा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सस्पेंडेड इंस्पेक्टर सचिन वझे को हर महीने 100 करोड़ का वसूली टारगेट दिया था। परमबीर सिंह ने लिखा, गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वझे को हर महीने 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया था। फरवरी मध्य और उसके बाद अनिल देशमुख ने सचिन वझे को निवास पर कई बार बुलाया। अनिल देशमुख ने सचिन वझे से कहा कि मुंबई में 1750 बार रेस्टोरेंट से 40-50 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। सचिन वझे उसी दिन मेरे ऑफिस आए, मुझे सूचना दी। मैं हैरान था कि इस हालात से कैसे निपटें। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की भी सफाई आई है। देशमुख ने ट्वीट करके डीजी होमगार्ड परमबीर सिंह के आरोपों को बेबुनियाद बताया। देशमुख ने कहा कि परमबीर सिंह ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए झूठे आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ सकता है। परमबीर सिंह के आरोपों के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अनिल देशमुख को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। डीजी रैंक का व्यक्ति और जो सर्विंग डीजी है और जो मुंबई के सीपी रहे हैं, ऐसा व्यक्ति सीधे मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर इतने एविडेंस के साथ ये सारी बातें कहते। हमारी मांग है कि तुरंत गृह मंत्री महाराष्ट्र इनको उनके पद से हटाया जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी मांग की कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी इस्तीफा देना चाहिए। इसके बिना निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विकास के मुद्दे पर आमना सामना हुआ। खड़गपुर की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में विकास का सर्वर 50-55 साल से डाउन है। कल रात को 50-55 मिनट के लिए व्हाट्सएप डाउन हो गया, सबके मन में सवाल खड़े हो गए। यहां बंगाल में तो 50-55 साल से विकास ही डाउन हो गया है। वहीं ममता बनर्जी ने 3 चुनावी रैलियां की। उन्होंने नोटबंदी से निजीकरण तक का जिक्र करके बीजेपी को घेरा और अर्थव्यवस्था बर्बाद करने के आरोप लगाए। বিজেপি পার্টি ওদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে শেষ করে দিয়েছে, অর্থনীতিতে ধস নেমেছে, নোটবন্দি থেকে শুরু করে ব্যাংকবন্দি, আজকে বলুন তো কবে বলবে হলদিয়া পোর্টটাও বিক্রি করে দাও। প্রধানমন্ত্রী মোদী না আসাম কে চবুয়া কি র্যালি মে কংগ্রেস পর বড়া ওয়ার কিয়া। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस फायदे के लिए किसी को भी दांव पर लगा सकती है। मोदी ने कांग्रेस AIUDF गठबंधन को असम के लिए खतरा बताया। पुलकित बनाने वाले चाहते हैं कि हमारे चाय बागानों को भारी नुकसान उठाना पड़े। साजिश रचने वाली कांग्रेस जब असम के अस्मिता की बात करती है तो उसके सारे नकाब खोखले नजर आते हैं। वहीं राहुल गांधी ने आज असम में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। राहुल ने बीजेपी को असम की संस्कृति के लिए खतरा बताया। ये जो प्रदेश है ये आपका प्रदेश है, इसको नागपुर से नहीं चलाया जाना चाहिए। पूरा का पूरा असम ये दूसरों को पकड़ा रहे हैं। असम में कांग्रेस के 5 बड़े चुनावी वादों में CAA खत्म करना भी शामिल है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS में बड़ा बदलाव हुआ है। भैयाजी जोशी की जगह दत्तात्रेय होसबोले को सर कार्यवाह की जिम्मेदारी दी गई है। संघ में ये नंबर 2 का पद है। होसबोले 12 साल से सह सर कार्यवाह थे। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के 3 वर्ष के निर्वाचन के बाद मेरे पास नए दायित्व आया है। मैं आप सबकी शुभकामनाएं और सहयोग भी चाहता हूं, उसकी कामना करता हूं। बेंगलुरु में RSS की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में और भी बड़े बदलाव हुए। बीजेपी महासचिव रहे राम माधव को वापस RSS में बुला लिया गया है। वहीं रामलाल अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख बना दिए गए हैं।
गुड इवनिंग एंड वेलकम टू जी न्यूज बुलेटिन।